The time for next challenger. जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? अता रसूल. अता साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर. जी अता साहब, शख्सियत मर्द? यस. जिंदा? नो. एशियाई? नो. ताल्लुक यूरोप से? यूरोप से. अता साहब, आपने सिर्फ हाँ या ना कहना है, आपने आगे जवाब एलैबोरेट नहीं करना. यूरोप से तो गोया मेनलैंड यूरोप से. यस. yes. तो वफात को 50 साल से ज्यादा? यस. yes. 100 साल से ज्यादा? यस. yes. 1922 से 1972. और शोभा? मुल्क डिटरमिन करना चाहिए. सेंट्रल यूरोप से शुरू करें. ताल्लुक वस्ती यूरोप से? यस. yes. जर्मनी? जर्मनी से. अरे यस. सेंट्रल यूरोप में मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्विट्जरलैंड? जर्मनी? नहीं जी, नहीं. स्विट्जरलैंड भी. जब लोगों से मुतालिक आता है ना, तो जर्मनी ने जितने बंदे दिए हैं आपको, स्पेशल पीपल जिन्होंने बड़ा बड़ा कुछ किया, वो जर्मन्स हैं नंबर वन. अब उसके पेशे की तरफ जाइए भैया. तो ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नो. फिलोसोफर? जर्मनी हैज प्रोड्यूस्ड मेनी फिलोसोफर्स. मेनी फिलोसोफर्स. इल्मो फजल से ताल्लुक? नो. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक? भी है. इस पीरियड में हु कम्स टू योर माइंड? कोई इन्वेंटर हो सकता है, कोई मौजूद हो सकता है, कोई न्यूक्लियर की तरफ, कोई पीरियोडिक टेबल उससे मुतालिक हो सकता है. लेकिन आइंस्टाइन जैसे जो लोग थे वो तो छोड़ के जर्मनी चले गए थे अमेरिका. लेकिन उनका जर्मन होना ताल्लुक भी कहा जाता. उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक जर्मनी से नहीं है. आइंस्टाइन प्योर जर्मन, वो जर्मन था. और ये पीरियड वही है. लेकिन आइंस्टाइन डाइड इन द 54-55 50s, मिड 50s. मैंने एक तस्वीर देखी, हम सब ने देखी होगी, इसमें 29 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनमें से 28 आर नोबेल लॉरियट्स. मैं हैरान हूँ 29वें को आप फारिगी कर देते. 28 के 28. नाथसी जर्मनी की शख्सियत तो नहीं हो सकती, वो तो सियासत हुकूमत है, प्योर गोइबल्स वगैरह. हाँ नहीं नहीं नहीं, ये कोई साइंसदान है, कोई साइंटिस्ट है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनका से भी ताल्लुक है. तो प्योर साइंटिस्ट शायद ना हो, साइंस से भी ताल्लुक है. कोई गाड़ी किसी ने बनाई हो. जर्मन्स आर वेरी गुड एट मेकिंग कार्स. बिल्कुल. BMW सर जर्मनी की है क्या जी? BMW बोहेमियन. बोहेमिया इज अ प्रोविंस. कोई बड़े मुजद हैं अता साहब? कह सकते हैं सर. कह सकते हैं? यस. yes. इजादात? अब वहाँ की तो इजादात ये गाड़ियों में वो क्या है, फ्रेडरिक क्या है, बेंज है, फ्रेडरिक बेंज है, क्या नाम है उसका पूरा, जिसने मर्सिडीज का इंजन, पहला कम्बस्चन इंजन बनाया था. वो एक अहम शख्सियत है. उसको नैरो डाउन करें इसके ऊपर. ऑटोमोबाइल्स के साथ ताल्लुक है कोई? यस. 14 क्वेश्चंस. पहला कंबस्चन इंजन इनके क्रेडिट पे है? जी है. मर्सिडीज के साथ इनका कोई ताल्लुक है? यस. yes. आपने बेंज पूछा है. बेंज? कार्ल बेंज. बिल्कुल जी. कार्ल बेंज. कार्ल बेंज. अरे